पे देख पाएंगे ये जो है जमुआ में है और यहाँ पे आप देखेंगे नॉमिनेशन के लिए ये केजुआ पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी अभी जा रहे हैं। जमुआ प्रखंड में नॉमिनेशन आज है तो वहाँ पे जा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कि क्या सोच लेकर के क्या विचार लेकर के ये जो है नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं ये जानने का प्रयास करेंगे और कुछ बात करेंगे। सर आज आप नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं क्या आप क्या चाहेंगे? परिवर्तन का मार्ग 100% है। पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक के सेवा में मैं हर दिन तैयार रहूँगा करके पब्लिक को दुख सुख में हर समय साथ है। लोग का समर्थन भी आपको पूरा मिल रहा है सर, देख रहे हैं जो है पूरा गाड़ी लगा हुआ है, सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं। क्या मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन लोगों ने मेरा साथ दिया है और मेरे गर्मी में मेरे साथ चलकर पैदल आ रहा है। वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो आपके साथ हैं और जो नहीं है उनको क्या कहिएगा? जो मेरे साथ है वो भी मैं उन समय सबके साथ हूँ, सबके साथ हैं। और इस प्रकार के सोच है कि पूरे पंचायत के वैसे ही इनका है और ये जो काम करेंगे वो सभी के लिए करेंगे, नहीं सर सबके साथ है मेरे लिए सब। और विकास की भावना क्या है? विकास की भावना मेरा है कि विकास को विकास क्या चीज है तो एक बार अगर पब्लिक हमको चांस दे देगा तो पंचायत में दिखा दूंगा विकास कैसे होता है। तो ये चीज़ है एक बार सिर्फ चांस मिलना चाहिए, उसके बाद इनका जो सोच है पूरे समाज परिवर्तन की भावना है, इनका जो विचार है ये परिवर्तन की विचार है। हम देखना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे ये जो आप देखेंगे लोग इनके साथ है, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहिएगा आप सर के साथ चल रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? अच्छे आदमी हैं, कुछ युवा साथी भी हैं, क्या कहिएगा? सब ठीक है इनके साथ है ना, सभी लोग आप देखेंगे नारे बाजे हैं, सभी लोग इन्हीं के साथ हैं। ये सभी लोग हैं चाह रहे हैं कि मुखिया बन करके जाएंगे, ये जो है भारतीय रैली अभी बात में चल रहे हैं ना, थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, रुक जाइए जाने दीजिए बाकी लोगों को। ये जो है आप युवा भी हैं और कहते हैं कि पंचायत का जो है विकास युवा लोग का सोच जो होता है वो अलग होता है, परिवर्तन की भावना होता है, क्या कहिएगा जो मुखिया प्रत्याशी अभी जा रहे हैं उनको लेकर के क्या कहिएगा? 5 वर्ष रह चुके हैं में बहुत अच्छा काम किए हैं और इस बार की तुलना में वो और अच्छा करना चाहते हैं। दरअसल बात रहा इस बार के मुखिया हम लोग का केंद्रीय पंचायत का 110% है जो मनोगर नाम मिलेगा, 110% है जो मनोगर का कि पूरे जनता आवाम को जाना है कि इस बार के केंद्रीय पंचायत का मुखिया को आया है मनोगर खान है। मनोगर खान जी इस बार मुखिया बने ये सभी लोगों का कहना है, चाचा आप क्या कहिएगा? सही है होना चाहिए, मुखिया बनना चाहिए इनको है ना, और 5 लोग मुखिया भी रहे हैं, क्या कहिएगा? अच्छा सेवा किया है ना, सेवा में कोई कमी नहीं है। चाचा क्या कहिएगा जैसे 5 साल उप मुखिया भी रहे हैं और इस बार मुखिया के दावेदार हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि आखिर जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए पूरा? देखिए उप मुखिया के कार्यकाल में इनका काम काफ़ी संतोषजनक रहा है और इस बार बदलाव का प्रयास चल रहा है जनता के बीच में, जैसा चल रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। विकास तो हुआ है केंद्र पंचायत में लेकिन अपेक्षा की जैसा होना चाहिए उस टाइप का नहीं हो पाया, जनता इस बार कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रही है। इसके कैंडिडेट जो निशाना ठाकुर है या मनोहर खान की वाइफ है उसको इस बार हम लोग भारी समर्थन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं चलिए कुछ नया और ये सोच लेकर के केंद्रीय पंचायत के सभी लोगों का समर्थन यहाँ पे देखने को मिला। बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे लोगों ने बताया कि इन्हीं को इस बार चांस दिया जाए। अब देखना ये है कि जनता किसके साथ जाती है, जनता को उसी को वोट करना है जो उनको अच्छा लगे और जो विकास की भावना परिवर्तन की भावना लेकर के आए हैं, जनता बेशक उनके साथ रहेगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखा
तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि केंदुआ पंचायत के मुखिया किस प्रकार का होना चाहिए। और ये जो अभी मनोहर खान को देखें, ये भी भावी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करने वाले हैं, तो अपना मत कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप किन के साथ हैं, क्या चाहते हैं और केंदुआ पंचायत किस प्रकार से बने, ये चीज़ जरूर बताइएगा। तो सफर नया भारत से एक नए केंदुआ पंचायत की कामना करते हुए अरविंद कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।